ओम शांति। आज हमारे साथ भारत से डॉक्टर राजेश भाई जुड़े हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि जिनकी आवाज हमने YouTube पर सुनी थी। आप सभी जानते थे कि 5:30 बजे का जो मेडिटेशन लगाते हैं उसमें भाई जी की आवाज आपने सुनी है। भाई जी, बहुत दिनों से बहुतों की चाहना थी कि हम राजेश भाई का लाइव सुने, राजेश भाई जी को। तो हमारा तो सौभाग्य खुल गया कि भाई जी हमें 4 सेशन, एक सेशन नहीं, हमें चार चार सेशन कराने के लिए हमारे लिए आए हैं। तो भाई जी का मैं शॉर्ट में परिचय दूं तो आप रेडियोलॉजिस्ट, एमआरआई स्पेशलिस्ट हैं और बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में है, राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। भारत के अनेक ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर योग भट्टी के कार्यक्रम में क्लासेस और गाइडेड मेडिटेशन आपने कराया है। साथ साथ यूरोप और अन्य देश के स्थानों पर अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे चुके हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ईश्वरीय संदेश देने और समाज में वैचारिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हैप्पीनेस कोट्स भी लिखते हैं। अगर आप फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर हो तो आप राजेश भाई जी के पोस्ट देख सकते हैं, एवरीडे पोस्ट होते हैं। तो ऐसे भाई जी का सैन फ्रांसिस्को परिवार, अनुभूति परिवार और हमारे अनुभूति परिवार अनुभूति के हेमा दीदी की तरफ से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो भाई जी का एक हाथ की ताली से हम सभी स्वागत करेंगे। वेलकम भाई जी। अभी हम भाई जी से सुनेंगे। ओम शांति। एक्चुअली थोड़ा सा गला खराब है तो माफी चाहूंगा कि आवाज में थोड़ा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन हुआ था, फिर भी मैंने डेट्स दी थी तो इसके लिए आप सभी से मिल रहे हैं। तो आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब भी हम ईश्वरीय परिवार से, अपने दैवीय परिवार से मिलते हैं तो खुशी तो होती है, क्योंकि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं जो है वो 5,000 साल पूरे कल्प में साथ साथ रहते हैं, साथ साथ पाठ बजाते हैं, और हर कल्प में भी, 5,000 साल के बाद में हर कल्प में भी हम मिलते रहते हैं, तो एक क्लोजनेस होता है हम ब्राह्मण परिवार के साथ में। तो बहुत है ना, बहुत खुशी हो रही है आप सभी से मिलकर। वैसे जैसे बेन जी ने कहा कि बचपन से ही ज्ञान में है, तो बचपन से ही जो साकार बाबा के समय के जो भी आत्माएं थी, दादी या है ना, उनके साथ में भी रहना हुआ या फिर इंट्रैक्शन हुई, तो ज्ञान और योग में तो जो इंटरेस्ट है वो पहले से ही था, लेकिन इतनी गहराई नहीं थी, है ना। जब हम बचपन में रहते हैं तो इतनी डेप्थ हमें पता नहीं होती है, लेकिन योग के बारे में लगता था कि हाँ, है ना, कुछ एक कुतूहल था योग के बारे में कि योग कैसे करते हैं। तो हम पूछते थे, है ना, दादियों को, दीदियों को पूछते थे कि दीदी योग कैसे करना है, तो उनका तो आंसर, जो मेजोरिटी है उनका तो आंसर यही था कि बाबा के साथ मन ही मन बातें करना, स्नेह युक्त प्यार में मगन होकर बाबा के साथ बातें करना, यही योग है। तो है भी सही बात कि जब भी हम योग में बातें करने में, रूहिहान करने में, तो वही योग है। लेकिन जो योग का बाबा ने बहुत ही सुंदर एक व्याख्या बताई, बहुत सिंपल और शॉर्ट, कि स्वयं को बिंदु समझकर, बिंदु बाबा को याद करना, यही योग है। या फिर बाबा कहते हैं कि आपको हर गुण की अनुभूति में, हर एक शक्ति की अनुभूति में आपको खो
हो जाना है। रोज आपको एक स्थिति लेकर बैठना है और उस स्थिति में आपको स्थित हो जाना है और योग का अनुभव करना है। फिर ऐसे बाबा क्यों है ना कहते हैं। तो देखिए, अगर एक छोटा बच्चा है सपोज, उसे एक ही खिलौना दे दिया जाए कि आपको इसके साथ ही खेलना है, तो क्या होगा, वो कुछ समय तक खेलेगा और फिर बाद में उसे वो छोड़ देगा। फिर जिस उसके जी को जो अच्छा लगेगा, उसको जो अच्छा लगेगा वो हाथ में खेलना शुरू कर देगा। तो फिर वो मिट्टी के साथ भी खेल सकता है और जो उसके ना हार्मफुल चीजें है उसके साथ भी खेल सकता है। तो अपना जो मन है, बाबा कहते हैं ये एक बच्चा है, तो उसे अगर कहे कि आपको रोज इसी तरीके से योग करना है, तो क्या हो जाएगा, कुछ समय तक तो हम योग युक्त रहेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा कि हम जो हमारे व्यर्थ संकल्प है या फिर माया के संकल्प है ना, माया से खेलने लग जाएंगे। तो फिर हमारी उन्नति नहीं होगी। जो हमारे लिए, जैसे मैंने कहा कि बच्चे को हार्मफुल होगा, वैसे अपने मन के लिए भी हार्मफुल होगा। फिर हमारी जो भी प्रोग्रेस है योग में, ज्ञान योग में, वो हो नहीं पाएगी। इसके लिए बाबा हमें रोज नए नए तरीके से योग करने को बोलते हैं। तो अगर हम मुरलियां देखते हैं, साकार मुरली जो भी हम डेली सुनते हैं, तो देही अभिमान स्थिति, आत्म अभिमान स्थिति, देह में रहते विदेही स्थिति या फिर अशरीर स्थिति, ऐसे जो स्थितियां है उसके बारे में बाबा हमेशा बताते हैं। तो क्योंकि ये जो स्थितियां है ये अपने आत्मिक स्वरूप की स्थिति है, हर एक स्थिति जो है, क्योंकि जब तक हम आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होते तब तक हम बाबा से कनेक्शन हमारा नहीं होगा, हमारा योग जो है जुट नहीं पाएगा। तो सबसे पहली बात है कि अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। तो जब हम सुनते हैं मुरली, तो ये जो सबका सार है, जो भी देह न समझना, ये शरीर न समझ, खुद को आत्मा समझना, बिंदु बन जाना और फिर बिंदु बाबा को याद करना, बहुत प्यार से स्नेह से बाबा की याद में हो जाना, यही सार है। लेकिन अगर हम बहुत गहराई से, बारीकी से अगर मुरलियों का अध्ययन करते हैं, जो भी साकार वाणियां हैं या फिर अव्यक्त वाणियां हैं, या जो दादियों ने या फिर वरिष्ठ भाइयों ने जो एक्सप्लेन किया है, खासकर दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी के क्लासेस अगर हम सुनते हैं, तो यही प्रतीत होता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हमें, मुझे भी पहले लगता कि ये सब जो है ना, क्योंकि देखिए हर जो स्थिति मैंने कही आपको, उसमें क्या है ना कि एक है देही अभिमान स्थिति, इसमें क्या है कि देही मीन्स आत्मा, देह से अलग स्वयं को समझना, आत्मा समझना, देही समझना और सदा देही बाबा की याद में खो जाना, यह है देही अभिमान स्थिति। और फिर वैसे ही है आत्म अभिमान स्थिति। तो इसमें जो देह है या फिर शरीर है उसका कहां भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, इस जो स्थिति में सिर्फ आत्मा का है, आत्म अभिमानी स्थिति, इस खुद को आत्मा समझना और बाबा की या परम आत्मा की याद में खो जाना। फिर है विदेही स्थिति, देह में रहते विदेही, देह से दूर, देह से अलग खुद को समझना और बाबा को याद करना, विदेही बाबा को याद करना। फिर अशरीरी, अशरीरी मीन्स खुद को शरीर से अलग समझना और बाबा को याद करना, है ना, आत्मा समझ खुद को याद। तो अगर हम बाहर बाहर से देखे तो ब्रॉडली देखे तो सिमिलर ही लगते हैं, है ना। फिर बाबा क्यों इन स्थितियों के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस है। अगर हम एक एक स्थिति लेकर उसके उस स्टेज में हम स्थित हो जाते हैं, तो हमें हर स्थिति की अनुभूति अलग अलग है, हर स्थिति के फायदे जो है वो भी अलग अलग है।
आज हम क्योंकि क्योंकि लगता है तो सेम ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है ना, वो हमें तभी मालूम होगा कि जब हम, बाबा ने जो एक सिंपल एग्जांपल दिया है हमें कि जब हमारा लेना लेसन, हमारा फर्स्ट लेसन है आत्मा का, आत्मा का फर्स्ट लेसन क्या है, बाबा ने ऐसे इजीली समझाया, हम तो जन्म जन्मों से यही समझ रहे थे कि मैं ही शरीर हूँ ना, हम खुद की जो स्मृति है उसे हम भूल गए थे ना, खुद को हम शरीर मानने लगे थे। तो बाबा ने हमें बहुत ही सिंपल तरीके से ना, बहुत सिंपल एग्जांपल जो हमारा फर्स्ट लेसन है आत्मा का, कि आप ड्राइवर हो और ये शरीर कार है, आप इस कार के चलाने वाले ड्राइवर हो या फिर ड्राइविंग फोर्स एनर्जी हो। कितना सिंपल एग्जांपल है कि बस ये सुनते ही ड्राइवर अलग और कार अलग, आत्मा अलग और शरीर अलग हमें मालूम हो जाता है, फिर और कुछ एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत नहीं रहती। तो इसी एग्जांपल के आधार पर आज हम ये जो जो भी स्टेजेस है उनके बारे में समझेंगे, और फिर बाद में हम हर एक स्टेजेस की अनुभूति भी करेंगे, और भी अगर समय मिलता है तो फिर अव्यक्त स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, उसके बारे में भी हम समझेंगे और उसकी भी अनुभूति आज हम करेंगे। तो जो सबसे पहली स्टेज है या स्थिति है वो है देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति का अगर हम ड्राइवर और कार के रूप में ले तो मैं आत्मा इस शरीर में हूं, अर्थात ये जो ड्राइवर है वो कार में बैठा है, कार में बैठा हुआ है और वो कार को चला रहा है, सारे कंट्रोल जो है उसके हाथ में है और वो उस कार को चला रहा है। अर्थात जब भी हम कर्म में आते हैं तब हम ये समझे कि मैं ड्राइवर हूं और ये कार है, शरीर और आत्मा का ये संबंध जो है हम याद रखें। और फिर है आत्माभिमानी स्थिति, तो सिमिलरी है हम कि देही अभिमानी और आत्माभिमानी, तो इसमें भी वही है कि हमें खुद को आत्मा समझना है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें ड्राइवर और कार में, तो यस मैं ड्राइवर कार में बैठा हूं, मैं आत्मा शरीर में बैठा हूं, इस कार को मैं चला रहा हूं, और खुद को भी आत्मा समझना, और जो हम इंटरेक्शन करते हैं संपर्क में आते हैं उन्हें भी आत्मा समझना। तो यहां तक तो हम है ना कि देही अभिमानी और आत्माभिमानी जो स्टेज है वो सिमिलर ही है, लेकिन देखिए आत्माभिमानी में कभी भी है ना जो शरीर का या देह का उसमें हमें अर्थबोध नहीं होता है ना, आत्माभिमानी सिर्फ आत्मा का भान। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम कोई एक एक नई कार लेते हैं ना, ड्राइवर नया नया सीख रहा है या फिर नई नई कार ली है, तो क्या करता है कि हाँ गियर ऐसे डालने हैं है ना, क्लच ऐसा है या फिर एक्सीलेटर ऐसे दबाना है, इस समय हमें करना है, ये उसे भान रहता है ना, वो कॉन्शियसली ये सब कुछ करता है। लेकिन बहुत समय रेगुलरली कंटिन्यूअसली अगर वो ये अभ्यास करे, अभ्यास में ये उसका कार्य करता रहे, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा है ना, उसे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं हो जाएगी, वो तो ये भी भूल जाएगा कि मैं कुछ कार में बैठा हूं, ये कार है उसमें बैठा हूं मैं चला रहा हूं, नहीं वो ऑटोमेटिकली है एकदम स्मूथली बिना कुछ हिचक के बिना कुछ सोच समझ के वो प्रॉपरली उस कार को चलाएगा और उसमें वो एकदम मगन हो जाएगा जैसे है ना उसके ड्राइविंग में। तो जैसे ही हम ये निरंतर अभ्यास करते हैं इस आत्माभिमानी स्थिति का, तो फिर लास्ट में हमारी स्थिति ऐसी बनेगी कि हमें इस शरीर का भान नहीं होगा, बस आत्मा का भान होगा, शरीर है ही नहीं, बस आत्मा ही आत्मा है, अपना स्वरूप अपने गुण इसमें ही हम मगन हो जाएंगे। तो इसके लिए बाबा है ना ये भी कहते हैं कि जो
देवताएं होती है, है ना, अपनी ऐसी स्टेज हो जाएगी कि हम देवता बन जाएंगे। तो देवताओं की ऐसी स्टेज होती है कि वो नेचुरल आत्मविमानी स्थिति में होते हैं। लेकिन बाबा ने, अगर हमने मुरलिया बहुत बारीकी से पढ़ी है, तो बाबा ने ये भी कहा है कि आप ब्राह्मणों की जो स्थिति होती है आत्मविमानी स्थिति, निरंतर आत्मविमानी, वैसी देवताओं की भी नहीं होती। कैसे? क्योंकि देवताओं को ये भान होता है, देह भान होता है, उनको आकर्षण नहीं होता, देह के प्रति आकर्षण या आसक्ति नहीं होती, लेकिन भान तो होता है ना कि मैं शरीर हूँ, सामने वाला मिस ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूँ, सामने वाले भी आत्मा है, ये उसका शरीर है, ये तो भान उनको होता है। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं की इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, या फिर हो जाएगी अगर हम निरंतर ऐसा अभ्यास करते हैं, कि बस आत्मा का भान होगा, हमें आत्मा ही आत्मा दिखाई देगी। मैं ड्राइवर कार में है लेकिन उसे भान नहीं है कि ये कार है, बस वो खुद के इसमें ना, खुद का स्वरूप और खुद के गुण और शक्तियां उसकी वो अनुभूति करेगा, ये है आत्मविमान स्थिति। फिर अगर नेक्स्ट हम देखते हैं कि देह में रहते विदेही स्थिति, विदेही मीन्स हमें अपने शरीर को भूलना है और आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल के लेके अगर हम देखते हैं, तो कैसे कि अब तक तो ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, उसने फिर गाड़ी रोक दी और वो गाड़ी में बैठकर ही रेस्ट कर रहा है, गाड़ी में बैठकर ही वो रेस्ट कर रहा है। तो हम शरीर में हैं लेकिन कर्म इंद्रियों को समेट लिया और बिंदु बन गए, और फिर अपनी जो आत्मिक स्वरूप है, अपना को आत्मा का जो स्वधर्म है उसमें स्थित हो गए, ये है विदेही स्थिति। तो बीच बीच में हमें ये भी प्रैक्टिस करनी। और फिर अशरीर स्थिति, अशरीर अर्थात शरीर से अलग हो जाना, सेपरेट, दोनों सेपरेट मीन्स अगर ड्राइवर कार में अब तक बैठा था, चला रहा था, लेकिन वो अपनी कार से निकलकर अभी बाहर आ गया है, वो सामने से अपनी कार को देख रहा है साक्षी भाव से कि मैं इससे अलग हूं, ये है अशरीरी स्थिति। तो अगर हम इस तरीके से अभ्यास करते हैं तो हमें अलग अलग अनुभूति होती है। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन कि कैसे हमें इस स्थिति की, हर एक स्टेज की हमें अनुभूति करनी है, और इसके अलग अलग क्या क्या फायदे हैं, और कैसे अलग अलग हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम रेगुलरली रोज अगर अलग अलग तरीके से योग करते हैं तो हमारा मन जो है बाबा में लगा रहा है, रहता है, इस हमें बोरिंग नहीं होता, हम उसका आनंद लेते हैं। तो सबसे पहले है कि देही अभिमानी स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति अर्थात कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी, ज्योति बिंदु, इस शरीर में हूं, इस शरीर में मैं भ्रुकुटी के मध्य पर बैठा हूं, मैं अपनी शक्ति से इस शरीर को चला रहा हूं, जो भी कंट्रोल्स है इस शरीर के, है ना, जो भी कर्मेंद्रिया है उसके सारे कंट्रोल मेरे पास है, अर्थात मैं ही शरीर में बैठकर भ्रुकुटी के मध्य पर विराजमान होकर मैं ही इन आंखों द्वारा देख रहा हूं, कानों द्वारा सुन रहा हूं, मुख द्वारा बोल रहा हूं, अपने हाथों से कर्म कर रहा हूं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं या जो भी कर्म कर रहे हैं, मैं आत्मा कराने वाला हूं, ये कर्मेंद्रिय करने वाली है और इन कर्मेंद्रियों पर मेरा संपूर्ण कंट्रोल है। अभी ना बाबा ने एक 4-5 दिन पहले मुरली चलाई थी, उसमें बाबा ने कहा था कि इस देह रूपी रथ पर विराजमान मैं रथी हूं, ये समझकर हमें जो भी कार्य करना है। तो
तो वैसे ही है ना, ये रथ है, मेरा रथ है, और जो भी मेरी कर्मेंद्रिय है ये है ना, फॉर एग्जाम्पल रथ के घोड़े हैं, उनको कंट्रोल करने वाला मैं आत्मा। अगर हम कार का एग्जाम्पल ले तो सारे कार के कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो ये स्मृति के साथ अगर हम योग युक्त रहते हैं तो हम शरीर में बैठे हैं लेकिन हम आत्मिक स्वरूप में स्थित है। शरीर का भान हमें है लेकिन हमें उसके प्रति आसक्ति नहीं है, मैं उसको कंट्रोल करने वाला हूं, ये स्मृति हमारी है। फिर अगर हम इस तरह से ना आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर जो सदा देही ना, जो सदा देही बाबा है वही हमें याद आएगा। तो फिर सेकंड जो स्टेप है कि हम बाबा हमसे करा रहा है, ये बाबा का कार्य है, मैं निमित्त हूं। इस स्मृति के साथ जो भी है, जो भी सेवा है, लौकिक या फिर अलौकिक कार्य, दोनों कार्य जब हम कर रहे हैं तो एक्चुअली ये कर्मयोग की स्थिति है। हम कर्म कर रहे हैं लेकिन खुद को भी हम देही मान रहे हैं, मीन्स आत्मा मान रहे हैं, और मैं ही सब कुछ कंट्रोल करने वाला हूं, मैं ही करावनहार हूं, ये स्मृति। और फिर बाद में बाबा मुझसे करा रहा है, मीन्स करण करावनहार जो है वो बाबा है। तो अगर बाबा मुझसे करा रहा है तो मैं एकदम ट्रस्टी हूं, कार्य ही बाबा का है और करा भी बाबा रहा है मेरे द्वारा, ये स्मृति हमें हमेशा रहेगी। तो हम इस देह की आसक्ति से दूर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी देही अभिमानी स्थिति बन जाएगी और बाबा की स्मृति में हम मगन हो जाएंगे। तो अभी हम है ना कुछ समय के लिए इस स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे, इस स्थिति की अनुभूति करेंगे। ओम शांति। सभी संकल्पों को मर्ज करके एक ही संकल्प में स्थित हो जाए, मैं आत्मा हूं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं, प्रकृति के मध्य पर बैठा हूं, इस देह में भ्रुकुटी के मध्य पर बैठकर ही मैं अपनी शक्ति से इस देह को चला रहा हूं। मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं अविनाशी ऊर्जा हूं, मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी हूं, जो इस पूरे देह को, इस देह को चलाती है। मैं ही इन आंखों द्वारा देख रहा हूं, कानों द्वारा सुन रहा हूं,
मेरी सारी कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में है। ये शरीर जैसे मेरा रथ है, और इस शरीर में विराजमान मैं रथी हूं। शरीर के सारे कंट्रोल मेरे पास है। मैं वही देखता हूं जो मुझे देखना है, जो मैं देखना चाहता हूं मैं वही देख रहा हूं। मैं वही सुनता हूं जो मुझे सुनना है। मेरे मुख से वही बोल निकलते हैं जो मुझे बोलने हैं। अपनी सर्व कर्म बिंदुओं पर मेरा संपूर्ण कंट्रोल है। मैं स्वराज अधिकारी हूं। मुझ देही से, मुझ आत्मा से सदा देही बाबा करा रहा है। बाबा करावनहार है, मैं करनहार हूं। मैं जो भी लौकिक अलौकिक कार्य करता हूं सभी कार्य बाबा के हैं। बाबा ही मेरे द्वारा करा रहा है। मेरे सारे कंट्रोल बाबा के पास है। मैं ट्रस्टी हूं, निमित्त हूं। जो भी कार्य है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं ट्रस्टी होकर संभाल रहा हूं। ओ शांति। तो इस तरीके से अगर हम कार्य व्यवहार में आते हैं और इस स्मृति के साथ हम हर कोई कार्य करते हैं, तो हमारी देही अभिमान स्थिति नेचुरली ही बन जाती है। हमें मेहनत नहीं करने पड़ती कोई बात की। फिर अगर हम दिन भर इसी स्थिति में रहे तो बाद में ना बीच बीच में बाबा कहते हैं कि आपको विदेही बनना है। आपको बीच बीच में विदेही बनने की प्रैक्टिस करनी है।
जैसे हमने देखा एग्जाम्पल में कि मैं शरीर में हूं, मैं आत्मा शरीर में हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखे कार का, तो मैं कार में हूं ड्राइवर, लेकिन मैं रेस्ट कर रहा हूं। जो भी मेरे कार्य व्यवहार में मैं था, जो भी मैं अपने कार्य कर रहा था, उससे मैं अभी डिटैच्ड हूं। इस शरीर से भी मैं डिटैच्ड हूं और कर्मों से भी मैं डिटैच्ड हूं। मीन्स ड्राइवर कार में बैठकर रेस्ट कर रहा है, शांति में बैठा है। देखिए मैं मेरा एग्जांपल बताता हूं आपको कि अभी मैं लास्ट वीक है ना मुंबई गया था, तो जो है ना योगा डेज के कुछ प्रोग्राम्स थे, तो दो दिन में 5 प्रोग्राम्स थे एक्चुअली, तो बहुत जगह है ना घूमना हुआ और फिर इतनी रेस्ट भी नहीं हुई। तो जैसे ही मैं बॉम्बे से नासिक आ रहा था, तो ना आंखों में हैवीनेस लग रहा था, है ना, तो जरा थकान सी महसूस हो रही थी मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा गाड़ी में और मैंने जो गाड़ी है वो साइड में लगा, क्योंकि ना बहुत ही हैवीनेस और थकान महसूस हुई। तो बाजू में मैंने गाड़ी लगाई और मैंने वहां रेस्ट की, आधा घंटा मैंने रेस्ट की गाड़ी में बैठकर, और फिर से फिर एकदम फ्रेश होके फिर मैंने ड्राइविंग की और फिर मैं यहाँ आ गया। तो ये बाबा क्यों कहते हैं कि ऐसी प्रैक्टिस करने, क्योंकि हम दिन भर में बीच बीच में अगर ऐसे ब्रेक लेते हैं, देह में है लेकिन विदेही स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो आत्मा एनर्जाइज हो जाती है, आत्मा शांत हो जाती है, क्योंकि हम हर एक के साथ में इंटरेक्शन में है, साथ हमारे जो सामने परिस्थिति है उसके कारण भी यहां हलचल होती है। तो हमें अपना जो स्वधर्म है ना शांत स्वरूप में स्थित होने के लिए बाबा कहते हैं कि आपको बीच बीच में ये विदेही स्थिति में स्थित हो जाना है। तो जैसे ही हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं, कुछ समय का ब्रेक लेते हैं, जैसे है ना ट्रैफिक कंट्रोल क्यों है, क्योंकि तन का भी ब्रेक और मन का भी ब्रेक। अगर हम दोनों तरीके से ब्रेक लेते हैं और अपने स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, एक तो स्वस्वरूप में, क्योंकि हम कार्य व्यवहार में आते हैं तो भूल भी जाते हैं ना, जैसे ही हम कोई कर्म कर रहे हैं तो जो आत्मिक स्मृति है और बाबा की स्मृति जो है वो बीच बीच में भूल भी जाती है। तो इसके लिए हम फिर से उस ट्रैक पर आए, है ना, मीन्स आत्मिक स्वरूप और बाबा की याद हमें रहे, इसके लिए बाबा ये कहते हैं कि आपको विदेही स्थिति में स्थित होना है। जब हम ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस है, तो जो भी अंतिम स्थिति थी बाबा की, तो सब कहते हैं ना कि बाबा समाचार सुनते थे। कोई अगर उन्हें सेवा का समाचार सुना रहा है तो सुनते थे, लेकिन बीच में ही है ना सब, अगर कोई विस्तार सुना रहा है तो उसका सार ले लिया और एकदम शांत हो गए, जैसे यहां है ही नहीं, विदेही बन गए। तो हमें भी बीच बीच में ये प्रैक्टिस हमें करनी है। तो जैसे ही हम इस विदेही स्थिति में स्थित हो जाते हैं, अर्थात हम पॉइंट ऑफ लाइट बन जाते हैं, बिंदु बन जाते हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन ब्रेक लेके बस मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं देह में बैठा हूं लेकिन एकदम अलिप्त हूं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं ना टॉर्टोइस का, है ना, जो कछुआ है वो क्या करता है, वो कभी कभी अपने जो अंग है वो सेकंड में सिकुड़ लेता है, संकीर्ण कर लेता है। तो हम कर्म कर रहे हैं लेकिन अपनी कर्मेंद्रियों को एकदम समेट कर, एकदम संकीर्ण करके शांत स्वरूप में स्थित हो जाना है, पॉइंट ऑफ लाइट बन जाना है, ज्योति बिंदु बन जाना है कार्य करते करते। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा अभ्यास जो है हम 1 मिनट के लिए करते हैं,
हम तो है ना ट्रैफिक कंट्रोल तो हम 3 मिनट के लिए करते हैं, लेकिन हम 1 मिनट के लिए भी बीच बीच में ये अभ्यास कर सकते हैं। देह में रहते ही विधि स्थिति का अभ्यास हम कर सकते हैं। ये कार्य कर रहे हैं और सब कुछ है ना, कर्मों को समेट लिया, कर्मेंद्रियों को समेट लिया, मन बुद्धि द्वारा है ना, मन बुद्धि द्वारा सब कुछ समेट कर बस मैं इस देह में भ्रुकुटी के मध्य रेस कर रहा हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। और जैसे ही हम फिर इस शांति का अनुभव करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें एक स्वीट साइलेंस का भी अनुभव होता है ना, मधुर शांति का अनुभव होता है, अतिंद्रिय सुख का अनुभव हमें होने लगता है। तो हम बीच बीच में फिर ये देह में रहते विदेही बनने की प्रैक्टिस करें। तो अब हम नेक्स्ट 5-10 मिनट्स के लिए ये भी अभ्यास करेंगे। तो फिर से सब अलर्ट होकर बैठ जाइए, एकदम एकाग्र, अनुभव करें मैं कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहा हूं, कर रही हूं, और सेकंड में तन का ब्रेक, मन का ब्रेक, शरीर देह एकदम शांत, संपूर्ण ध्यान मस्तक के मध्य पर, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ज्योति बिंदु हूं, कर्मेंद्रिया संकल्प दोनों एकदम शांत, बस पॉइंट ऑफ लाइट। देह का कोई भान नहीं, मैं देह में बैठा हूं लेकिन देह की स्मृति नहीं, सिर्फ आत्मिक स्मृति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत चित्त हूं, संपूर्ण ध्यान अपने आत्मिक स्वरूप पर एकाग्र, अपने स्वधर्म में स्थित, बस शांत स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट। स्वीट साइलेंस का अनुभव। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। ओम
शांति। तो इस तरीके से हम बीच बीच में ब्रेक लेकर जितना भी हमें समय मिले, पापा तो कहते हैं कि एक मिनट का समय नहीं है आपके पास, तो एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी आप ये बस कार्य कर रहे हैं, बस वही पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, सभी बातों से एकदम डिटैच होकर, देह में ही है लेकिन डिटैच है। तो इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी फिर विदेही स्थिति बन जाती है। तो फिर आगे है कि अशरीरी स्थिति। अभी विदेही और अशरीरी हमें लगता है कि एक ही है। देखिए, ये जो सभी आज हम स्थिति या स्टेजेस देख रहे हैं ये सिमिलर ही है, लेकिन बाबा ने हमें इसका भी डिफरेंस जो है वो बताया हुआ है। सभी है ना, बाबा बहुत बार इन स्थितियों को इंटरचेंजिंगली भी यूज करते हैं, अशरीरी विदेही, देही वाणी आत्मवाणी। देखिए फिर की है ना, विदेही और अशरीरी। अशरीरी मीन्स शरीर से डिटैच हो जाना। हमने देह में रहते विदेही स्थिति जो है देखी कि हम देह में ही है लेकिन डिटैच्ड है। लेकिन अशरीर स्थिति का अर्थ ये है कि हम आत्मा जो है ना, शरीर में थी, मैं शरीर में थी, कार्य कर रही थी, फिर डिटैच भी थी, लेकिन मैं आत्मा अब इस शरीर से बाहर निकलकर, मैं इस शरीर से बाहर निकलकर खुद के ही शरीर को देख रहा। दो मीन्स शरीर और आत्मा इस स्थिति में अलग अलग है। तो अगर हम इस स्थिति का अभ्यास करते हैं तो हमें बाबा कहते हैं ना कि आपको डेड साइलेंस का अनुभव होगा, डीप साइलेंस या फिर डेड साइलेंस का आपको अनुभव होगा। तो ब्रह्मा बाबा का भी अगर हम एग्जांपल देखते हैं या सुनते हैं तो बाबा ऐसी प्रैक्टिस करते थे कि ये जो मेरा शरीर है ये एक कोट है, फॉर एग्जाम्पल कोट है, तो मैंने कोट उतार कर ना खुंटी पे रखा, खुंटी पे, क्योंकि उस समय तो खुंटी आई थी है ना, अभी तो हैंगर्स है। तो बाबा ये प्रैक्टिस करते थे कि जैसे मैं अपना कोट है ना खुंटी पर लटका कर रखता हूँ और मैं उसे देख रहा हूँ कि ये मेरा कोट है लेकिन मैं अलग हूँ उससे, दोनों अलग है, कोट अलग है, मैं अलग हूं, मैं उसे साक्षी भाव से देख रहा हूं, है ना, पूरी तरह से डिटैच्ड। इस तरह से बाबा ये प्रैक्टिस करते थे कि कैसे मैं अशरीर बन जाऊं, शरीर से कैसे डिटैच हो जाऊं। तो शरीर या फिर इसका जो मीनिंग है ना, तो ये जो अष्टांग योग है, जो हम फिजिकल योगा था ना, अभी योगा डे था ना 21st को, तो उस समय है ना जो भी अष्टांग योग करते थे, जो फिजिकल योगा करते थे, उसमें भी एक है ना, उसमें भी एक आसन है, उसमें बहुत सारे आसन है, लेकिन जो लास्ट का आसन है वो है शवासन। शव मीन्स बॉडी, डेड बॉडी। तो उसमें यही प्रैक्टिस की जाती है कि आप सोए हुए हैं और आपका जो एक एक पार्ट है बॉडी का वो डिटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल हाथ, पैर, चेस्ट, जो भी हमारा पार्ट है वो धीरे 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 मैं उससे अलग हो रहा हूं। और फिर कंप्लीटली अलग हो जाना, हम सोए हुए हैं, हर पार्ट को मैंने ऐसे अनुभव किया कि मैं इसे डिटैच होते जा रहा हूं, पूरी बॉडी से मैं डिटैच हो गया और मैं शक्ति, मैं आत्मा, इस जो इस शरीर को चला रही थी, जो चैतन्य शक्ति इसको एम्पावर कर रही थी, मैं इस शरीर से निकल गया और कुछ दूरी पर मैं स्थित हो जाता हूं और मैं
मैं शक्ति अपनी मन की आंखों से, है ना, मैं आत्मा अपनी मन की आंखों से, है ना, बुद्धि के दिव्य नेत्र से मैं खुद को ही देख रहा हूं, देख रही हूं कि ये बॉडी अलग है, मैं आत्मा अलग, दोनों एक तो जैसे ही हम इस स्थिति का अनुभव करें, डेड साइलेंस मीन्स डीप डीप साइलेंस, जैसे डेथ हो जाती है तो सब कुछ शांत हो जाता है ना, पूरा ही शरीर जो है वो शांत हो जाता है, हमें डेड साइलेंस का अनुभव होता है, वैसा हम अनुभव इस स्थिति में कर सकते हैं। तो अगर इस स्थिति का हमें अभ्यास करना है तो इस शरीर से मैं अलग हुआ हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो एग्जाम्पल लिखा ड्राइवर का, कि मैं ड्राइवर बाहर निकल गया कार के और मैं कार को देख रहा हूं, तो कुछ देर तक मैंने तो बाहर था और फिर मैं आत्मा बाहर निकलकर बॉडी को ऑब्जर्व किया साक्षी भाव से और फिर और शरीर बन के फिर इस स्टेज में हम परम धाम की अनुभूति भी कर सकते हैं कि मैं शरीर से डिटैच होकर बाहर निकलकर माय पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा फिर परम धाम पहुंचकर जो अशरीर शिव बाबा है उनके साथ का अनुभव, आत्माओं की दुनिया का अनुभव, क्योंकि जो शरीर है और शरीर की दुनिया है उससे निकल जाना और वहां अनुभव करना कि मैं इस शरीर की दुनिया सृष्टि, है ना, जो भी फिजिकल वर्ल्ड है ना, उससे भी अलग, शरीर से भी डिटैच और मैं आत्मा ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा ना कि ब्रह्मा बाबा ऐसे प्रैक्टिस करते कि वह जो कोट है वो खूंटी पे लटका हुआ है, तो हम परम धाम पहुंचे हैं, हम वहां बैठे हैं, लेकिन मेरा शरीर नीचे है। फॉर एग्जाम्पल, हैंगर पर जैसे क्लोथ होता है ना, जैसे हम जो भी हमारा कोट होता है वो निकाल के रखते हैं, वस्त्र निकाल के रखते हैं, वैसे है नीचे मेरा शरीर और मैं आत्मा बाबा के साथ में। तो ये अगर हम ऐसा अभ्यास करते हैं तो हमें अलग अनुभूति होती है, हमें डेड साइलेंस, डीप डीप साइलेंस का अनुभव हमें होता है। तो हम कुछ समय के लिए अभी अशरीर स्थिति का भी अभ्यास करेंगे। सेकंड में एकाग्र हो जाए, संपूर्ण ध्यान मस्तक के मध्य पर एकाग्र, अनुभव करे उस शक्ति का जो शक्ति इस शरीर को चलाती है, वो शक्ति मैं हूं। वो चेतना मैं हूं। एकाग्रता से अब धीरे धीरे संपूर्ण शरीर की चेतन चेतन भ्रुकुटी के मध्य एकाग्र है, ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे बस मैं ही मैं
ये शरीर अलग अनुभव करेंगे। मैं चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा, इस शरीर से बाहर निकल रहा हूं। देखेंगे अपने आप को, भ्रुकुटी से बाहर निकलते हुए मैं पॉइंट ऑफ लाइट आऊंगा। भ्रुकुटी से बाहर निकलकर ऊपर की ओर कुछ दूरी पर स्थित हो जाता हूं। शरीर से अब साक्षी भाव शरीर एकदम शांत, कोई हलचल नहीं। शरीर अलग, मैं अलग, तन और मन दोनों एकदम शांत। डेड साइलेंस। अभी शरीर से मेरा कोई लगाव नहीं। कोई मोह नहीं। शरीर से आपको अब सिर्फ एक से संबंध, एक निराकार बाबा से ही संबंध। एक से ही नाता, एक से ही रिश्ता। अभी शरीर से, इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। सिर्फ एक बाबा के साथ ही मेरा रिश्ता है। बाबा के प्यार में मगन होकर अब अनुभव करें। मैं आत्मा इस स्थूल शरीर को, इस साकार शरीर को साकार दुनिया में ही छोड़कर अशरीरी बनकर उड़ चला अपने घर परम धाम। अपने प्यारे शिव बाबा के पास देखेंगे अपने आप को। मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा,
इस दुनिया से पार, आकाश तत्व से भी पार, सूक्ष्म वतन को भी पार करते हुए पहुंच जाता हो शांति धाम, परम धाम। शांति धाम में चारों ओर शांति ही शांति। प्रकाश ही प्रकाश, परम धाम पहुंचकर मुझे यहां अलौकिक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति हो रही है। यहां चारों ओर शक्तियों का समुद्र लहरा रहा है। अनुभव करेंगे मैं आत्मा परम धाम में अशरीर स्थिति में स्थित हूं। देह और देह की दुनिया से कंप्लीटली डिटैच्ड, मैं प्यारे शिव बाबा के बाबा के साथ का यह अनुभव कितना निराला है। मैं आत्मा भी अशरीरी और बाबा तो है ही सदा अशरीरी। शांति के सागर के साथ बैठकर मुझे डीप साइलेंस का अनुभव हो रहा है। असीम शांति गोदी में हूं। और साकार दुनिया में मेरा शरीर जैसे एक वस्त्र हैंगर पर लटका होता है, वैसा मेरा शरीर साकार दुनिया में है। मैं परम धाम में हूं। अशरीर स्थिति
डीप साइलेंस का अनुभव करके धीरे धीरे परम धाम से नीचे उतरे। अनुभव करे मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा परम धाम से नीचे उतरते हुए अपने शरीर को साक्षी भाव से देख और नीचे जाकर भ्रुकुटी से इस शरीर में प्रवेश करके अब मैं फिर से विराजमान हो जाता हूं इस शरीर में। स्मृति के साथ कि मैं हूं ही अशरीर, ओम शांति। तो अगर हम इस तरीके से औषधि स्थिति का अनुभव करते हैं तो हमें डीप साइलेंस का अनुभव होता है, शरीर से एकदम डिटैच्ड, जैसे शरीर अलग है और मैं अलग हूं। तो ये जो हमने तीन स्टेजेस देखी, देही अभिमानी, विदेही और अशरीर, इन तीनों स्टेजेस में देह या फिर शरीर उसका कुछ तो भी अर्थबोध होता है हमें, है ना, कि देह से अलग मैं देही हूं, बाद में विदेही और अशरीर। लेकिन जो आत्मविमानी स्टेज है उसमें कहीं पर भी शरीर का व देह का अर्थबोध नहीं है, अर्थात बस मैं आत्मा, सिर्फ आत्मा, सिर्फ आत्मा का भान। तो ये जो आत्मविमान स्थिति है उसका देही विमानी और आत्मविमानी थोड़े शुरुआत में थोड़े जो भी है ना ओवरलैपिंग है, दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो अब तो हमें ऐसा अनुभव नहीं होता, लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको लास्ट में ऐसा अनुभव होगा, है ना। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन हम टिक नहीं पाते उस स्थिति में, और लास्ट में जो हमारी स्थिति हो जाएगी कि ये देह हमें या शरीर हमें दिखाई नहीं देगा और मैं भी शरीर हूं ये हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैं आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं और सामने वाला व्यक्ति भी पॉइंट ऑफ लाइट है, इस तरीके से हमारी स्थिति बन जाएगी। और आत्मविमानी स्थिति में ये है कि अगर हम निरंतर ये अभ्यास करते जाते हैं तो हमारे जो नेचुरल गुण है वो भी इमर्ज होते हैं। मीन्स जैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट, हमारा जो स्वरूप है उसमें स्थित हो गए कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा इस शरीर में हूं, इस शरीर को चला रहा हूं, सामने वाला भी आत्मा है उसे मैं देख रहा हूं, लेकिन शरीर का कोई आकर्षण नहीं है, कोई भी आकर्षण नहीं है या फिर आसक्ति नहीं है, या शरीर मैं आत्मा अलग हूं और शरीर अलग है, ये स्मृति तो है हमारी, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं इस जो स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं तो हमारे जो नेचुरल जो ओरिजिनल गुण है, इनेट क्वालिटीज जिसे हम कहते हैं, जो नेचुरल गुण है हमारे ना, शांति, पवित्रता, शक्ति, आनंद, सुख, प्रेम और ज्ञान, ये नेचुरली इमर्ज होने लगते हैं और हमारे जो भी एक्शन है वो इनके अनुसार होने लगता है। अगर हम निरंतर इस स्थिति में रहे कि मैं आत्मविमानी स्थिति में स्थित रहे या फिर मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इससे अन्य शरीर से करा रहा हूं, करा रही हूं, ऐसे हम
प्रैक्टिस करते जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी जो गुण है वो हमारे एक्शन जो है मेरे है ना हमारे कर्म जो है वो हमारे इन गुणों के आधार पर ही होने लगते हैं। मीन्स जो भी हमारे कर्म होंगे शांति के होंगे, सब है ना सुख के होंगे, हम जो भी हम कर्म करेंगे वो सुखदायी ही होंगे और हमारा व्यवहार जो होगा वो प्रेम युक्त ही होगा। तो इस तरह से मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप। तो जो भी हमारे गुण है उसके आधार से ही हमारे कर्म हो रहे हैं, स्मृति भी वही है। और सेकेंडली जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं उनकी स्मृति में अगर हम रहते हैं, मैं एक महान आत्मा हूं, इस दुनिया में मैं सबसे महान हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूं। इस स्वमान को लेकर भी अगर हम अभ्यास करते हैं तो भी हमारी आत्मविमानी स्थिति हमारी बनती जाती है। और मैंने जैसे कहा कि अगर हम आत्मविमानी बनकर अगर कोई भी कार्य करते हैं या फिर स्थिति में स्थित रहते हैं तो हमसे विकर्म नहीं होते, हम कोई भी विकर्म नहीं करते, लेकिन हमारा जो विकर्म विनाश है वो भी उतने नहीं होते। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जो परमधाम की अवस्था है, जो बीज रूप अवस्था है, उसमें हमारे विकर्म विनाश ज्यादा होते हैं या फिर वो हमारी मोस्ट पावरफुल स्टेज है। लेकिन जो आत्मविमानी स्थिति है उनमें हम अगर स्थित रहते हैं तो हमसे विकर्म नहीं होगी। तो और हम इस तरीके से है ना जो भी गुण है, जो हमारे सम्मान है, इनकी स्मृति में रहते हैं हमेशा निरंतर, तो फिर हमारी जो स्टेज जो है आत्मवास्ती ऐसी बन जाती है कि हमें शरीर दिखाई नहीं देते। जैसे मैंने कहा, बाबा ने कहा है मुरलियों में कि देवताओं की नेचुरल आत्मविमानी स्थिति होती है, सोल कॉन्शियस स्टेज होती है, लेकिन उन्हें भी भान होता है कि ये मेरा मैं आत्मा हूं या फिर सामने वाला भी आत्मा है, लेकिन ऐसी बन जाती है कि हमें सिर्फ खुद को भी, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा और सामने वाला भी आत्मा, शरीर दिखाई ना दे ना, सिर्फ आत्मा का भाव, शरीर का कोई भाव नहीं, शरीर है ही नहीं। जो शायद इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल था, इसके लिए आवाज फिर से नहीं आया, तो हम नेक्स्ट सेशन के लिए इसका कुछ ये करेंगे। लेकिन मैं हर वापस रिपीट करता हूं इस बात को कि जैसे ही हमारी ये प्रैक्टिस हो जाती है देवताओं के बारे में, देवताओं के बारे में मैं कह रहा था कि देवताओं की बाबा कहते हैं कि नेचुरल आत्म अभिमानी स्टेज पड़ता कि मैं आत्मा हूं, उन्हें ये हमेशा सदा सर्वदा याद रहता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उन्हें ये भी भान रहता है कि ये मेरा शरीर है। अगर हमें इंटरेक्शन करना है किससे, तो सामने जो भी व्यक्ति है या फिर मैं भी हूं, तो मुझे शरीर का भान होगा कि मेरा ये शरीर है, लेकिन मैं हूं आत्मा, मैं हूं ही आत्मा। ये जो स्मृति देवताओं को निरंतर रहती है, इसके बाबा कहते हैं कि देवताओं की निरंतर नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति रहती है।
लेकिन हम ब्राह्मणों की अगर हम ये प्रैक्टिस निरंतर करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो हमारी ऐसी स्टेज आ जाएगी लास्ट में, आत्मा का भान शरीर का ही है, ये आत्माभिमान स्थिति। 5-10 मिनट्स के लिए ये अभ्यास करते हैं, ठीक है। मन एकाग्र, अपने विचारों को मस्तक के मध्य पर केंद्रित करें। संपूर्ण ध्यान अपने आत्मिक स्वरूप पर एकाग्र। अपने आप को देखे, मैं दिव्य ज्योति हूं, मैं शक्ति हूं, मेरे चारों ओर व्हाइट लाइट का ऑरा है, बहुत ही चमकीला, बहुत तेजस्वी ऑरा। सभी संकल्प मन बुद्धि अपने स्वस्वरूप पर एकाग्र। मैं जैसे जैसे अपने सत्य स्वरूप पर एकाग्र होते जा रहा हूं, बढ़ती ही जा रही है, वो स्पष्ट देख पा रहा। मैं पॉइंट ऑफ लाइट और मेरे चारों ओर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा। मैं जैसे जैसे एकाग्र हो रहा हूं, मेरे ऑरा का तेज भी बढ़ते जा रहा है। अब शरीर का कोई भाव नहीं, सिर्फ आत्मा का भाव, बस पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, बहुत तेजस्वी, बहुत ही पावरफुल। अपने स्वस्वरूप में स्थित होने से मेरे निजी गुण इमर्ज हो रहे हैं। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं,
मैं सुख स्वरूप हूं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हूं। अपने निजी गुणों की और शक्तियों की अनुभूति बस मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा और कुछ भी नहीं सिर्फ आत्मा का भाव आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित मैं भी आत्मा और सभी भी आत्माएं मैं जिसके भी साथ में संपर्क में आता हूं वो भी आत्मा मुझे शरीर दिखाई नहीं दे रहा मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट मैं भी सितारा और सभी भी चैतन्य सितारे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे चैतन्य सितारों की दुनिया परमधाम यहां उतर आया हूं बस सितारे ही सितारे चमक रहे हैं ओम शांति।